हेलो फ्रेंड्स, सादा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ऑमलेट ब्रेड, यानी ब्रेड और ऑमलेट को मिक्स करके एक अच्छा सा नाश्ता जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और खट्टा मीठा लगता है खाने में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रेड के जो कॉर्नर होते हैं वो मैंने निकाल लिए हैं और उनके बहुत ही छोटे छोटे पीस करके एक बाउल में रखा है जिसमें छोटे छोटे पीस किए हैं। फिर एक कप यानी टी कप दूध लिया है और इस ब्रेड को उस दूध में डाल दिया था और इसे करीब करीब 10 मिनट इसे रखना है। तो चलिए इस दौरान हम दूसरी तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अंडे लिए हैं जिसमें 1 मीडियम साइज़ प्याज को चॉप किया था और 4 से 5 बारीक मिर्चें ली हैं और 1/2 चम्मच नमक लिया है, 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्च ली है और 1 चम्मच टोमेटो केचप लिया है मैंने। इस सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है और करीब 2 मिनट तक के इसे फेटना है। तो फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से मिक्स किया था और 2 से 3 मिनट तक इसे फेटा था। ब्रेड को दूध में भिगोने के लिए मैंने रखा था जो कि 10 मिनट अब हो चुके हैं और जो मिश्रण मैंने तैयार किया है अंडे का वो इसमें डालना है और अच्छे से ब्रेड को मिक्स करना है। इसमें मिक्स करने के बाद ये फ्राई करने के लिए तैयार है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं फ्राई करने के लिए। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर करीब जो मिश्रण है हमारा ये 3 बार में ये फ्राई होगा तो इसलिए थोड़ा सा ही ऑयल लेना है। मैंने 10 ml ऑयल लिया हुआ है और इस मिश्रण को 1 बड़े चम्मच मदद से तेल में मतलब फैलाना है और करीब 2 से 3 मिनट तक के आपको लो फ्लेम में इसे पकने देना है। एक साइड पकने के बाद आपको दूसरे साइड में आपको पकाना रहेगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि ये मैंने पलट दिया है, अब ये दूसरी तरफ पक रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ये पक चुका है और कच्चा बिल्कुल भी नहीं है, लो फ्लेम में ही पकाना है आपको। बहुत अच्छे से बनके तैयार हुआ है और मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा ही बना पाएंगे और ये बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी खुशबू है। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।